हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ग्रुप चैनल। आज मैं आप बात करूंगा कि आप कैसे गिफ्ट में आइकन्स डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में बहुत सारे आइकन्स जो बने बनाए गिफ्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो और वहीं पर उसको एडिट भी कर सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग। जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो जैसे कलर में वैसे करके आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ उस वेबसाइट का नाम क्या है। इसका नाम है लॉर्डिकन। तो आपको सिंपली सर्च करना है lordicon.com पर। lordicon.com पर जाकर आपको अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो मैं अब एक्सप्लोर लाइब्रेरी पर क्लिक करता हूँ। आपको दो तरह की कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, वेयर्ड और सिस्टम। यानी सिस्टम में जो मोस्टली जो आइकन हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, वो आइकन्स आपको नज़र आएंगे। और वियर्ड यानी कि अदर आइकन्स, जो कि जैसे कि आइसक्रीम, पेंसिल और भी बहुत सारे। तो मैं अभी आपको वियर्ड का ही दिखाऊंगा कि ये कैसे हैं। वियर्ड में आपको पॉपुलर बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर आपको फ्लैट आइकन भी मिल सकते हैं और लीनियर भी हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको आइकन पसंद आते हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब फ्लैट आइकन आ गए हैं, लोकेशन का है, नोबिंग मैन और भी बहुत सारे हैं। तो मैं इनमें फ्री आइकन्स पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब ये वो आइकन शो करेगा जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसमें जो आइकन्स होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, बट हमें जो चाहिए वो मोस्टली फ्री में हमें मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये आइकन पसंद आ रहा है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, या फिर यहाँ पर रीलोड यानी कि इमेज को रीलोड कर सकता हूँ, HTML या गिफ्ट में डाउनलोड कर सकता हूँ। बट मैं आपको एडिटिंग भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल इंटरैक्टिव आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने जो भी एक कलर चाहो वो चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको थोड़ा रेड में दिखाना चाहूँ आउटलाइन, तो रेड में हो जाएगी। अगर ब्लैक करना चाहूँ पहले जैसा, तो यहाँ से हो जाएगा। अगर ये जो ब्लू में जैसे कि दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं इस कलर में करना चाहूँ तो यहीं से ये सिंपली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर विड्थ और स्ट्रोक भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो देख सकते हैं आप, ये इसकी जो आउटलाइनिंग है वो मोटी होती जाएगी। बट मैं अभी इसको नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ से इसको डाउनलोड कर देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से इसको सिंपली शेयर भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।